कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुझे बहुत दिनों बाद गले लगा रही हूँ। बात कर रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सालों बाद मिल रहे हो। विवान चीजी ऐसी है सिस्टर, विवान से दिल में आता है समझ में नहीं। चलो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पलटन के साथ खेलने। अरे खुशी, तुझे विवान कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? नहीं मम्मी, अब विवान ओरिजिनल ओरिजिनल सा लग रहा है। बदला बदला तो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था। ओ अंकल, क्या ताक जाक कर रहे हो? हाँ अंकल, अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे दिखती ही क्यों, वो भी मेरे घर के सामने। हाँ लोगों को बचाने के शौक बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, जो अब वॉचमैन भी बन गए। हाँ। तो क्या बुराई है वॉचमैन बनने में? कोई सोसाइटी का वॉचमैन होता है, कोई दुनिया का वॉचमैन होता है, जैसे बालवीर। हे भगवान, तुम बड़े तो हो रही हो लेकिन बढ़ नहीं रहे। यहाँ से अभी भी बालवीर पे यकीन है तुम्हें? बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, सोचो अगर बालवीर सच में हो तो वो तुमसे आके कहे शैतानिया मत करो, मम्मी की बात मानो, चिंटू चिंडी को परेशान मत करो, तब क्या करोगे? अगर सच में बालवीर आ भी गया ना तो मैं उसे सब समझा दूंगा कि शराफत से ज्यादा शरारत करने में मजा आता है, और अगर बालवीर मिल जाए ना तो भेजना मेरे पास, सब सिखा दूंगा। पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ पर इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। वीर स्थान हो गया फिर भी वैसे का वैसा ही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से चिंटू चिंडी की क्लास नहीं ली? चलो आज ले ही लेता हूँ। भैया आपको पता है एक सैंडविच का टेस्ट दुगना कैसे किया जा सकता है? कैसे? जब किसी को दिखा के जला के खाया जाए तब। क्यों ना इस विवान की पलटन को दिखा दिखा के खाए और इसे और भी स्पेशल बनाए। बहुत अच्छा आइडिया चिंटी, आज विवान के मुंह में पानी आएगा और उसकी आंखों में भी। वो रहा विवान। लेकिन विवान मेरे पास सिर्फ एक ही एप्पल है, हमें बांट कर खाना होगा। आधा आधा करने की क्या जरूरत है गोपू, जबकि हम दोनों पूरा एप्पल खा सकते हैं। वो कैसे? जादुई दीवार की मदद से। लेकिन ये तो मामूली दीवार है विवान। अरे नहीं गोपू, ये दिखने में मामूली है पर है जादुई। इस दीवार के उस पर जो भी चीज फेंकते हैं ना वो डबल होकर वापस आती है, डबल होकर। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उन चिंटू चिंटी को। चल चिंटू चिंटी को सब पता चल चुका है। अब देखो कैसे हम दो सैंडविच के चार सैंडविच करते हैं। भैया सैंडविच कब आएगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंटी
मुझे लगता है एप्पल तो सिंपल सा फल था, इसलिए उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और अपना तो 500 रुपए का सैंडविच है, थोड़ा ज्यादा तो टाइम जाएगा ना। चिंता मत कर। चलो, ये ज्यादा हल्का नहीं लग रहा? एक बार देख लेते हैं। ये क्या? चलो इसे देखते हैं। सैंडविच के लिए थैंक यू। अब इस जादुई दीवार से अपना सर फोड़ लो। विथ लव, विवान। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? अरे बालवीर, विवान तो अभी बच्चा है, तो मस्ती तो करेगा ना? नहीं मस्ती परी, मस्ती उसे कहते हैं जो आप करती है, जिसमें सबको मजा आता है। लेकिन विवान जो करता है उसमें सबको परेशानी होती है और सिर्फ उसे ही मजा आता है। शौर्य, मुझे लगता है विवान बालवीर बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वो बालवीर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन विवान का भी स्थान तो हो चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बालवीर नहीं बन सकता? बालवीर सही कह रहा है। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमें विवान की परम परीक्षा लेनी होगी। परम परीक्षा? और इस परम परीक्षा से गुजरने के बाद ही विवान ये साबित कर पाएगा कि क्या वो सचमुच बालवीर बनने के लायक है या नहीं। पर बालपरी, अगर विवान इस परम परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। फिलहाल विवान को यह परम परीक्षा से गुजरना होगा, उसमें सफल होना होगा, उसके बाद ही उसका वीर तिलक किया जाएगा। घायल शेरनी के रास्ते में नहीं आते भैमार, बहुत खतरनाक होती है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे और इस तख्त के बीच में से। बालवीर को खो देने के बाद इस तख्त पे बैठने लायक नहीं हो तुम। जिंदा खा जाऊंगा मैं तुझे भैमार। क्या खून कही है? घायल शेरनी को बचाने के लिए काला बिल्ला आया है, काला चीता आया है। तेमनासा, तुम्हारा ये काला बिल्ला चाहे कितना भी गुर्रा ले, काल्लोक की प्रजा की आवाज नहीं दबा सकता। और काल लोक की प्रजा को चाहिए भाई मार जैसा भाई राजा। अगर तुमने शांति से ये राजगद्दी छोड़ दी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका भी दूं। भाई राजा भाई मार का राज तिलक। क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें शायद अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका दूं। राज तिलक मतलब वीर तिलक।
बालपरी, ये वीर तिलक क्या होता है? जिस तरह से एक नए राजा का राज तिलक किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नए बालवीर का वीर तिलक किया जाता है। एक बार विवान इस परम परीक्षा में सफल हो जाए, फिर इस जादुई तन से उसका वीर तिलक किया जाएगा और फिर वो बनेगा बालवीर। हैं? लगता है गुस्से की वजह से भैरानी की दिमाग की सारी नसें जल गई है। बातें तो तुम बहुत कड़वी करते हो, लेकिन काम की, तभी तो तुमसे कहती हूं कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें राजगद्दी चाहिए ना? जाओ, ये सिंहासन तुम्हारा। जाओ बहमार, सोचो मत, ये राजगद्दी तुम्हारी। राजा सोच क्या रहे हो? रास्ता खुला है अपनी कश्यप रखिए सिंहासन पर, चलिए। लेकिन राजगद्दी का करोगे क्या बहमार? क्या मतलब? अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर तिलक हो गया तो वो इस काललोक को खत्म कर देगा, और अगर काललोक ही नहीं रहा तो राजगद्दी का क्या करोगे भैमार? पर उस उत्तराधिकारी को अब रोका कैसे जा सकता है? उसका तो वीर स्नान हो गया। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बहमार। बहुत भोले हो तुम बहमार, लेकिन काल लोग के वफादार। भूल गए? अभी अभी तुमने ही तो मुझे रास्ता सुझाया इस काल लोग को बचाने का। मैंने? कौन सा रास्ता? वीर तिलक। वीर तिलक रोकने का रास्ता। बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान तो हो चुका है बहमार, लेकिन परम परीक्षा और वीर तिलक अभी बाकी है। मैं परियों के इतनी अंदर तक के रहस्य कैसे पता है? समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। हमें काल लोग को बचाना होगा, और वो तुम्हारे बिना नामुमकिन है। उसका वीर तिलक होने से हमें उसे रोकना होगा। मेरा साथ दोगे ना? काल लोग को बचाने के लिए भैमार अपनी जान तक दे सकता है। माँ, विवान के वीर तिलक की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। ठीक है बालवीर, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना है, कोई बुरी शक्तियां या परिया या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं।
वीर तिलक हो जाने तक तुम नहीं रुकोगे। ये वादा करो। वादा करता हूं मैं, नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीर तिलक रोका कैसे जाएगा? उसके लिए तैयारियां शुरू करो भैमार। नए मेहमान के स्वागत की बालपरी, मुझे एक बात बताइए, आज तक बालवीर ने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ा है कि उससे आपने ऐसा वादा मांगा कि जब तक वीर तिलक नहीं हो जाता तब तक वो हम में से किसी के लिए भी ना रुके? क्योंकि कभी कभी बालवीर दिमाग से नहीं दिल से फैसले ले बैठता है। और इस परम परीक्षा में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का अब सबसे जरूरी काम है विवान की परम परीक्षा। चिंता मत कीजिए मां, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि काले तारे की रात भी नजदीक आ रही। काले तारे की रात? हाँ, वो रात जब सारी काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस समय वीर तिलक करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अब हमें विवान की पहली परीक्षा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो माँ, क्या विवान की पहली परम परीक्षा वही होगी जो? हाँ बालवीर, वही परीक्षा। ये चिल्ड्रन डे की पॉकेट मनी, ये भाईदूज की कमाई, और ये चंडू चंडी को टोपी पहना के कमाए 500 रुपए का नोट, ये सब मिलाकर हुए बस 4000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? वो शेरवानी तो 5000 की है। पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी दबंग के सलमान भाई की तरह खुद पे भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत भी है, और तिकड़मबाजी करने का टैलेंट अच्छे ज्यादा, और पैसे तो मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। मम्मी, आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितना काम करती हो, और आपकी इस हुनर बेटी के होते हुए आप अकेली काम करोगी? आस पास के 4 लोग क्या कहेंगे? मैं बनाता हूँ। बनाओ नहीं, रुको, नीचे रखे से। क्या चाहिए तुझे, इतना बटर क्यों लगा रहा है तू? मम्मी, बटर तो ब्रेड पे लगाते हैं ना, और अब ब्रेड थोड़ी ना। आप तो स्वीट हार्ट हो मेरी, और मुझे अपनी स्वीट हार्ट मम्मी से कुछ पैसे चाहिए, ओनली 1000। क्या 1000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? पैसे तो 3 ही होते हैं, पर आपको 4 जीरो वाले देने तो भी चलेगा। बोलो नहीं, सुनो, 0 दूंगी खाली तुझे। अरे 1000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है? कितने टिफिन के डब्बे बेचने पड़ते हैं, कितने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं पता है कुछ? मम्मी, अपनी बेटी के अरमानों को टिफिन के डब्बे के नीचे मत कुछ लो। अरे मैं एडवांस मांग रहा हूँ, आप मेरी 6 महीने की पॉकेट मनी से 1000 काट लेना। एक बात बता, करेगा क्या तू इतने पैसों का? मम्मी,
आपको तो बताइए ना कि हर साल दिवाली में दिवाली का स्टाइलिश सितारा कंपटीशन होता है, तो उसी कंपटीशन के लिए मुझे शेरवानी खरीदी है, वो भी सलमान भाई वाली। तो उसमें से 4000 तो गुल्लक से निकल गए, अब बस 1000 आप दे दो प्लीज। बोलो नहीं, सुनो, इतने दिनों से इसलिए तू इतना सीधा बन रहा था ना कि एक साथ 1000 रुपए मांग सके। नहीं मिलेंगे। नहीं मम्मी, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे 1000 ही तो है। अरे छोड़, मुझे नहीं देने पैसे। विवान बेटा, हाँ मेरे साथ छेड़ा की दुकान पर चलोगे? मम्मी तो नहीं हुई इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन दादाजी को खुश करूंगा तो वे क्या 2000 भी दे सकते हैं। जरूर चलूंगा दादाजी, और आपकी सारी कहानियां भी सुनूंगा, जो समझाने समझाओ मुझे। चलो। बेचारा शेरवानी के लिए दादाजी से भी समझने को रेडी हो गया। मैं पिछले दिवाली की ड्रेस से काम चला लूंगी, आप उसको नई शेरवानी दिला दीजिए। हाय मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है तू विवान से। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी नई ड्रेस दिलाऊंगी और विवान को उसकी शेरवानी भी दिलाऊंगी। जितनी भी मेहनत करती हूँ तुम दोनों के लिए ही तो करती हूँ। तो फिर आप विवान को पैसे देने से मना क्यों कर रही थी? ताकि उसे ये ना लगे कि हर चीज आसानी से मिल जाती है। शरारती बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है ना। मस्ती परी, अब शुरू होगी विवान की परम परीक्षा, जिसमें उसकी सबसे पहली परीक्षा होगी लोभ परीक्षा, जिसमें हमें पता चलेगा कि विवान कितना ईमानदार है और कितना लालची। बालवीर बनने का पहला अध्याय शुरू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.